दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल और विराट कोहली को लाजवाब बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राहुल और कोहली ने बेरहमी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पिटाई करते हुए न केवल उन्हें खून के आंसू रुलाए बल्कि ऐसा करारा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं होगा। जिसके बाद तो ग्लेन मैक्सवेल से लेकर स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस तक बीच मैदान में फूट फूट कर रोने पड़े और फिर इन खिलाड़ियों ने कोहली और राहुल को लेकर एक ऐसा बयान जारी किया जिसे सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी हैरान हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्या कुछ रहा है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का अपनी कड़ी शिष्क्रष्ट पर रिएक्शन, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली राहुल और स्मिथ में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के मैदान पर एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जो किंग कोहली और केएल राहुल के करिश्मे के लिए सालों तक याद किया जाएगा। इस मुकाबले में गेंदबाजों का दबदबा साफ तौर पर कायम रहा। पहले भारतीय गेंदबाजों ने अपनी फिरकी के जाल में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाजों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चूर चूर करते हुए उनके पूरे के पूरे बल्लेबाजी क्रम को केवल 199 रनों पर समेट दिया था। जिसके बाद तो टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। किसने सोचा था कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया हमसे बराबरी भी कर पाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसे ही थोड़ी ना ऑस्ट्रेलिया को इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। मिचेल स्टार्क से लेकर जोश हेजलवुड ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाजों को महज 2 रनों के स्कोर पर भी पवेलियन की राह दिखाकर मुकाबले में बढ़त बना ली थी। लेकिन तभी टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद कोहली और राहुल ने इस तरीके से तबाही मचाई कि ऑस्ट्रेलिया के सपनों को कुचलते हुए एक नया इतिहास लिख डाला। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डट गए। फिर अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की धुनाई करते हुए न केवल 100 रनों की पार्टनरशिप निभाई बल्कि अपने अपने तूफानी अर्धशतक भी ठोक डाले, जिसकी अद्भुत बल्लेबाजी के दम पर ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले में वापसी का ऐलान किया और अंत में नतीजा हुआ कि टीम इंडिया ने बड़ी ही बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा और इस विश्व कप में पहली धमाकेदार जीत हासिल करी, जहां केएल राहुल ने धोनी के अंदाज में शानदार छक्का लगाकर मुकाबले को समाप्त किया और 115 गेंदों पर 8 चौकों की तूफानी छक्कों की बदौलत 97 रन बनाए। विराट कोहली ने भी 85 रनों का योगदान दिया और ऑस्ट्रेलिया को कभी ना भूलने वाली हार थमा दी, जिस पर भरोसा कर पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। उनके खिलाड़ियों को तो सदमा लग गया कि यहाँ तक कि उनके कई खिलाड़ी तो बीच मैदान में फूट फूट कर रोने लगे थे और फिर किंग कोहली और राहुल को विलन बताते हुए उन्होंने जो कहा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैक्सवेल ने कहा कि इस हार को पचा पाना इतना आसान नहीं है, आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, हम आसानी से जीतने वाले थे लेकिन कोहली और राहुल ने आकर पूरे मैच की दिशा और दशा को ही पलट कर रख दिया। हमें उन्हें आउट करने में कोई मौका नहीं मिले थे लेकिन हम उन्हें भुनाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसका नतीजा ही है कि ये दोनों हमारे जबड़े से जीत को छीन ले गए और टीम इंडिया ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। यदि मैं कहूं कि वो दोनों हमारे लिए विलेन बने हैं तो वो गलत नहीं होगा, उन्होंने वैसा ही तो काम किया है। तो केवल वही नहीं, मिचेल स्टार्क का तो गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो आज हुआ है इसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी, उम्मीद है कि हम इस हार को जल्दी भुला पाएंगे। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, आपके पास 2 बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति से जीत दिलाने के काबिल हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता यदि हमने समय पर विकेट चटकाए होते, हमारे पास डिफेंड करने के लिए थोड़े रन और होते, हमने शुरू में दबाव बनाया लेकिन परिस्थितियों को अपने हक में करने में नाकामयाब रहे। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में हमने मत खाई है जो कि सबसे बुरी बात है। विश्व कप की इस तरीके से शुरुआत होना अच्छे संकेत नहीं है। जी हाँ, मिचेल स्टार्क ने जहाँ खेल भावना दिखाई है तो वहीं पैट कमिंस तो बदतमीजी पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं बेहद निराश हूँ अपने और अपनी टीम के प्रदर्शन से, ना ही मैं गेंदबाजी में कोई कमाल दिखा पाया और ना ही बल्ले से अपनी टीम में कोई काम आया हूँ। टीम इंडिया ने कुछ ज्यादा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, खासतौर पर राहुल और कोहली। जितनी मैच्योरिटी और समझदारी से उन्होंने अपनी पारी बिल्ड की है, उन्होंने हमें एक भी वापसी का मौका नहीं दिया, यही उनकी इनिंग की सबसे खास बात रही और हम उन दोनों से मात खा गए। हालांकि हम आसानी से उन्हें हरा सकते थे लेकिन हमने उन्हें अपने हाथों से मैच छीनने दिया, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो केवल वही नहीं, स्टीव स्मिथ ने भी इन दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई होने के नाते मेरा दिल टूट गया है लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर देखूं तो उन्होंने जवाब बल्लेबाजी की है। इस पिच पर बैटिंग आसान नहीं थी लेकिन एक डिपार्टमेंट था जहां हम पीछे रहे, स्पिन डिपार्टमेंट। यदि हमारे पास जैम्पा के अलावा एक दो और स्पिनर होते तो हम उनके दबाव बनाकर उनका भी विकेट हासिल कर सकते थे। उन्हें आउट करना अपनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है वो सीखने लायक है, लेकिन मुझे अभी खुद पर भरोसा है, हम जरूर वापसी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तो आंखें नम थी लेकिन हिंदुस्तान में तो जमकर दिवाली मनाई गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली और केएल राहुल में से कौन सबसे अधिक शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।